स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में एक और वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है कि कैसे आप ब्रिक का क्वांटिटी निकालेंगे, कितना नंबर ऑफ ब्रिक लगेगा, चाहे आप बाउंड्री वॉल कर रहे हैं या घर बना रहे हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप इसका कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, चाहे 5 इंची का वॉल हो या 10 इंची का हो या 8 इंच या 4 इंच, सबका कैलकुलेशन करने का मेथड सेम होता है कि ईट कैसे कैलकुलेट करें। आपको ऑर्डर देना होता है, परचेज करना होता है, तो पहले आप सीख लेंगे तभी तो ऑर्डर कर पाएंगे कि इतना ब्रिक लगेगा, ताकि आपको अधिक न मंगा ले या कम मंगा लेते हैं तो फिर बाद में मंगाते हैं तो कैरेज चार्ज बढ़ जाता है, ओके, वेस्टेज भी ज़्यादा होता है। तो चलिए, अगर आप घर बना रहे हैं तो भी आप ब्रिक का क्वांटिटी निकालना सीख जाएंगे कि कितना ब्रिक लगाएं, कितना एरिया में मुझे चुनाई कराना है, जुड़ाई करना है। तो चाहे 8 इंच का वाल हो या 4 इंच का, सबका मेथड सेम होता है। यहाँ पे देखिए ब्रिक वर्क हो रहा है, तो अगर आपको घर बनाना है तो आप पहले एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, उसका वॉल्यूम, उसके बाद ब्रिक ऑर्डर करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने सिविल साइट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, जब कभी भी सिविल साइट नॉलेज से वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, ज्वाइन बटन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट कर सकते हैं। आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, उस सिविल साइट नॉलेज को सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए कैलकुलेशन करते हैं कि अगर जो आपके पास वॉल है, जैसे आप घर बना रहे हैं या बाउंड्री वॉल कर रहे हैं, तो उसमें ब्रिक कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना लगेगा, ईट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको मैं फॉर एग्जाम्पल की तरह से मैं आपको बता देता हूं। देख लीजिए, ये आपका क्या है, बाउंड्री वॉल है, ओके, चाहे आप घर बना रहे हैं उसका भी मान लीजिए। तो ये आपका कॉलम है, ये कॉलम हो गए, ये कॉलम और ये कॉलम, तो बीच के पोर्शन को आपको ब्रिक वर्क करना है। यहां तो ये कॉलम में क्या होता है, कंक्रीट होता है, यानी कि आरसीसी रहता है, ओके, तो इस पोर्शन में कितना ब्रिक वर्क लगेगा प्लस में इस पोर्शन में, पार्ट बाय पार्ट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपके पूरे प्रोजेक्ट, यानी कि पूरे अगर घर बना रहे हैं तो घर का क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि कितना ब्रिक मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा। ओके, एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, देखिए ये ब्रिक वर्क है, तो ये आपका इसका हाइट, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेके चल रहा हूँ, ये हाइट है आपका 10 फीट, यानी कि जहां से आपको यहां से ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है, खत्म करना है आपका यहां तक, तो इसका हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया 10 फीट, ओके। और ब्रिक वर्क जो होता है, देखिए टॉप में ये मेंशन किया हूं, तो ये आप कितने 5 इंची या 10 इंची या 8 इंच का जुड़ाई कर रहे हैं, यानी कि एक ईट का या दो ईट का कर रहे हैं जुड़ाई, ये आपका थिकनेस है, यानी कि थिकनेस वाल का थिकनेस है, यानी कि वाल का मोटाई, यानी कि जो आप वाल प्रोवाइड करेंगे उसका थिकनेस कितना है, तो ये टॉप में शो कर रहा है ये भी, और यहां से यहां तक आपका चौड़ाई है 10 फीट, ये भी 10 फीट है। तो वाल थिकनेस आपको मैं एज्यूम करके चल रहा हूं 200 mm, यानी कि mm में जो समझ रहे होंगे अच्छी बात है, नहीं तो फीट में 8 इंच, यानी कि क्या हो गया आपका 8 इंच, यानी कि इसका जो चौड़ाई है, यानी कि दो ईट का होने वाला है और ये 8 इंच का वाल का थिकनेस हो गया। ओके, साइज ऑफ ब्रिक देखिए, हम स्टैंडर्ड साइज लेके चल रहे हैं, कि स्टैंडर्ड साइज लेकर चल रहे हैं कि यानी 19x9x9, यानी कि आपका 190 mm और 90 mm और 90 mm, ये स्टैंडर्ड साइज है ब्रिक का। तो देखिए ब्रिक कुछ इस टाइप का होता है, ओके, ये हो गया आपका लेंथ, यानी कि 190 mm, ये 90 mm और ये 90 mm, ओके, तो ये ब्रिक का साइज हो गया। तो ब्रिक के साइज मैं बता दें, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिपेंड करता है कि आपके लोकेशन पे किस साइज का ब्रिक यूज हो रहा है, आप कमेंट कीजिए कि मैं भी जान लूं कि आपके आपके लोकेशन में कौन सा साइज का ब्रिक यूज हो रहा है। ओके, अब देखिए जहां पे ब्रिक वर्क करना है, मान लीजिए ये ब्रिक वर्क करना है, तो इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे, ओके, तो इसको इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होगा, लंबाई L×B×H, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ओके, देखिए ये फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, इसके बेस पे आप निकाल लेंगे। लंबाई कितना है, लंबाई देखिए यहां से यहां तक, ये 10 फीट लिया, इनर टू इनर, इस कॉलम से और इस कॉलम के बीच का डिस्टेंस है 10 फीट, ओके, तो ये हम लंबाई लेंगे 10 फीट, और देखिए ब्रेथ यानी चौड़ाई क्या है, यानी कि जैसे कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा, ओके, तो ये देखिए अपना
ये चौड़ाई है 8 इंच, तो हम इंच में देखिए 8 इंच ये सिंबल है, डबल डैश सिंगल डैश फीट का होता है, डबल डैश इंच का सिंबल होता है। और इसका ऊंचाई कितना है, यानी कि यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है, ये ऊंचाई हो गया यानी 10 फीट, ये तीनों मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका, इंच में है, तो एक यूनिट में मुझे चेंज करना होता है, तो 1 फीट बराबर, 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, ध्यान दीजिए। तो हम इसको फीट में चेंज कर लेंगे, तो ये इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.67, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल वॉल्यूम इसका आ गया 67 CFT। इसका यूनिट क्या होगा, CFT यानी क्यूबिक फीट हो गया आपका, क्योंकि ये भी फीट में है, ये भी फीट में और ये भी फीट में, ये तीनों फीट में है, तो यानी CFT क्यूबिक फीट। ओके यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको यहाँ पे इसका वॉल्यूम आया 67, यानी 67। देखिए आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो फिर से आप कैलकुलेशन कीजिए कि इतना ही आएगा, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकिए और इसका PDF आपको ले लेंगे, आसानी पूर्वक कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए एक नोट आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे कि हमने ये नोट आपको याद कि 1 क्यूबिक मीटर यानी कि 1 क्यूबिक मीटर का वर्क होता है यानी 35.32 यानी कि 35.32 CFT का वर्क होता है, यानी ब्रिक वर्क होता है, तो उसमें 500 ब्रिक लगते हैं, यानी कि 500 ब्रिक 1 क्यूबिक मीटर या 35.32 क्यूबिक फीट हो, तो उसमें ये याद कर लीजिए 500 ब्रिक लगेगा, इंक्लूडिंग वेस्टेज, इसमें वेस्टेज भी इंक्लूड है। तो यानी मान लीजिए कि 35.32 CFT अगर आपको ब्रिक वर्क करना है तो 500 ईटा लग जाएगा, यानी कि इसका जो हम वॉल्यूम निकालेंगे तो 67 आया, और हम जान रहे हैं 35, अगर 35.32 CFT का ब्रिक वर्क होगा तो 500 ब्रिक लगेगा। तो इसी तरह हम टोटल ब्रिक निकाल लेंगे इसमें, तो देखिए टोटल ब्रिक क्या है, 37 हमें चाहिए, और हम जानते हैं कि 35.32 CFT में 500 ब्रिक इसे डिवाइड कर देंगे, आप 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल आएगा, ये देखिए डिवाइड करेंगे तो 1.896 आएगा, और 500 ये है, तो टोटल लगेगा आपको 948.47 ब्रिक लगेगा, यानी कि 4 949 ब्रिक्स लगेगा इसमें। ओके 949 ब्रिक लगेगा अगर इस पार्ट में अगर हम जोड़ाई करेंगे तो। ओके देखिए इसका जो आप जानना चाहते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक कैसे याद है आया, इसके भी डिटेल कैलकुलेशन अगर जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि एक्चुअली में ये आया कैसे। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक लगता है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर देख सकते हैं। ओके नहीं तो आप याद कर लीजिए कि 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक लगते हैं, इस तरह आप पूरे प्रोजेक्ट का क्वांटिटी निकाल सकते हैं, जो भी आपका बाउंड्री वॉल हो रहा है या घर बना रहे हैं तो इस तरह से निकाल सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े या फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर जुड़िए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें।